बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। जैसा कि आप सबको पता है कि रमज़ान की आमद आमद है, तो आज मैं आपके साथ एक बहुत ही अच्छी रेमेडी शेयर करने वाली हूँ, ताकि आपको पूरा दिन प्यास ना लगे और आपका रोज़ा जो है वो आसानी से गुजर जाए। जैसा कि आप जानते हैं कि वो तमाम मर्द हजरात और ख़वातीन जो कि काम के सिलसिले में बाहर जाते हैं, ऑफिस में काम करते हैं और कोई भी जो उन्हें काम होता है बाहर, तो उनके लिए रोज़ा गुजारना जो है वो ज़रा ज़्यादा मुश्किल होता है बनिस्बत उन लोगों के जो अपना दिन सारा सोकर गुजारते हैं। तो आज मैं उन सबके लिए एक बहुत अच्छी रेमेडी लेकर आई हूँ। तो रेमेडी स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करूँगी, प्लीज़ अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो लाजमी कर लें और बेल आइकॉन को भी प्रेस कर लें, ताकि हमारी आने वाली हर नई रेमेडी आपको मिलती रहे और आप उसको यूज़ करें और आपको बहुत ही बेहतरीन नतीजे मिले। चलिए तो हम रेसिपी की तरफ जाते हैं। आज मैं आपको बनाना सिखाऊंगी इलायची का कावा, जो कि आप सहरी के टाइम यूज़ करेंगे, ताकि आपको प्यास ना लगे और आप सारा दिन आसानी से अपना रोज़ा जो गुजार सकें। इसके साथ ही मैं आपको एक बहुत अच्छी टिप बताऊंगी, लेकिन आपको टिप सुनने के लिए मेरी वीडियो एंड तक देखना होगी। तो इसके अलावा इसका एक और ये भी है कि वो लोग जो इलायची को चुबा नहीं सकते, मोस्टली बच्चों के लिए और बड़ों के लिए इलायची खाना बहुत मुश्किल होता है, तो ये उनके लिए बहुत अच्छा कहवा है। चलिए स्टार्ट करते हैं। हम इसके लिए हमें चाहिए सौंफ, ये हमने ले ली है, और शुगर ली है, और साथ में हमने इलायची ले ली है हसबी ज़रूरत, क्योंकि हम लोग एक कप बना रहे थे इसलिए हमने इतनी ही इलायची ले ली है। सबसे पहले हम तो नाज़रीन, मैंने इसमें 2 कप पानी ले लिया है। अब मैं चूल्हा ऑन करती हूँ। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि मैंने 2 कप पानी ले लिया है, अब इसको हम गर्म करेंगे थोड़ी देर। जी तो नाजरीन, पानी गर्म होना स्टार्ट हो गया है। अब इसके अंदर हम सौंफ ऐड कर देंगे, क्योंकि हमने 1 कप पानी लिया है इसलिए हम तकरीबन 1 चम्मच इसमें सौंफ ऐड कर देंगे। इसको थोड़ा सा मिक्सअप कर दें, देखिए कितना अच्छा कलर आ गया सौंफ का। साथ ही इसके अंदर हम इलायची ऐड कर देंगे। इलायची खोल के इसके अंदर हम ऐड कर रहे हैं, ये देखिए। अब इसको मिक्सअप कर देंगे हम। इतनी ज़बरदस्त खुशबू आ रही है कि जब आप इसको पियेंगे तो आपको भी बहुत अच्छा लगेगा, और बच्चे तो बहुत आसानी से इसको पी सकते हैं। अब जैसे ये गर्म होता है उसके साथ साथ मैं आपको इसके फ़ायदे बता देती हूँ कि इलायची जो है इससे आपको ये आपको प्यास से बचाती है, और इसके अलावा ये आपको ठंडक देती है, और साथ ही मैं आपको इससे आपका पेट जो है वो बिल्कुल सारा दिन सही रहेगा, आपको बदहज़मी नहीं होगी इसके साथ। जी तो नाज़रीन, हमारा कावा तैयार हो गया। इतनी ज़बरदस्त खुशबू आ रही है कि मैं आपको क्या बताऊँ। अब इसको हम स्टेन कर लेंगे, और आप सोच रहे होंगे कि अभी तक हमने ना तो शुगर ऐड किया और ना ही कोई और ऐसी मीठी चीज़ ऐड की है, तो मैं आपको बताती हूँ कि स्टेन करने के बाद हमने इसके अंदर शुगर ऐड करनी है हसबे ज़रूरत जितनी आप यूज़ करते हैं। ये देखिए कितना ज़बरदस्त इसका कलर आया है। आपने इसको ज़्यादा नहीं पकाना वरना वो कड़वा हो जाएगा। ये देखिए कितना ज़बरदस्त कलर आया है इसका, और खुशबू भी इतनी ज़बरदस्त है कि आपको खुद पीने को जी करेगा। अब इसमें हम चीनी ऐड कर देंगे, मैं तो इतनी ही पीती हूँ तो इतनी ही ऐड करूँगी इसके अंदर। इसको मिक्स कर लें, और आप इसको लाजमी सहरी में पिएं, ताकि आपका सारा दिन फ्रेश गुजरे और आपको प्यास ना लगे और आप अपने काम आसानी से कर सकें। थैंक यू सो मच। इसके साथ ही मैं आपसे इजाज़त चाहूँगी, और उम्मीद है आपको मेरी रेमेडी ज़रूर पसंद आई हो। अगर आपको मेरी रेमेडी पसंद आई है तो आप मेरे चैनल को लाजमी तो आप प्लीज़ मेरी वीडियो को ज़रूर ट्राई करें इस रेमेडी को, और अपने फीडबैक जो हैं वो कमेंट के जरिए शेयर कीजिएगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़। और एक बार फिर आपको रमज़ान की मुबारकबाद।